सो है गाइस, सो कैसे हो आप लोग। तो आज का न्यू वीडियो के साथ, तो इस गेम प्ले में लैंड हुआ था जोबजो पोल पे, और जोबजो पोल पे सर्कल बना था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले हैं, तो गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गेम प्ले को एंड तक वॉच करना, और गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस बंदे को नॉक एंड फिनिश करने के बाद मैं अपने सबसे पहले लूट कर लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मेरी लूट कंप्लीट होती है, तभी मुझको वेयर हाउस की तरफ से फायरिंग आती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ चेक करने आ जाता हूँ कि बंदे हैं कि नहीं। तभी मुझको एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ दिख जाता है, जो कि दूसरे बंदे पर टी पी पी ले रहा था। तो मैं इसको यहाँ पर सीधे नॉक एंड फिनिश करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इसके पेटी के पास आता हूँ, तभी मुझको वेयर हाउस के अंदर से एक बंदे के फुट साउंड आते हैं। तो देखते जाओ उसके बाद क्या होता है। तो फाइनली आप ये दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं। तो इन दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ। तो जैसे मैं इस साइड के टावर पे चढ़ता हूँ, तभी मुझको एक बंदा दूसरे टावर पे दिख जाता है, जो कि पहले से बैठ कर वहाँ पे कैंप कर रहा था। तो मैं उसको सीधे नॉक एंड फिनिश देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर टावर पर नहीं चढ़ता तो ये बंदा पक्का मेरे को ऊपर से फिनिश दे देता। यहाँ पर मैं जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूँ, तभी मुझको नीचे की तरफ एक बंदा दिखता है जो कि बॉट मार रहा था। तो मैं उसको भी नॉक एंड फिनिश देता हूँ। अभी मैंने जिस बंदे को टावर पे से नॉक इन फिनिश किया था, उसके तीनों बंदे आगे की तरफ बैठे हुए हैं, जो कि मुझको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखते जाओ कैसा सीन होने वाला है। तो यहाँ पे इन तीनों बंदों को मारने के बाद मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ, और तभी अचानक से देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। तो यहाँ पे मैं आउट हो जाता हूँ, लेकिन मैं वापस यहीं पे रिकॉल होता हूँ अपना बदला लेने के लिए। तो आगे देखते जाओ क्या होता है। तो मैं रिकॉल होकर वापस यहीं पे आ जाता हूँ, और ये बंदे लूट करके यहाँ से निकल भी गए होते हैं, और तभी मैं इनको पीछे से फायरिंग देता हूँ। उसके बाद देखो मेरे क्या होता है। यहाँ पे ये बंदे भी आगे जाकर रुक चुके हैं उसको मारने के लिए, और यहाँ पे मैं जैसे फाइव देता हूँ तो देखो मेरे क्या गलत सीन होता है। यहाँ पे अगर इन बंदों की एक गोली और मुझको लग गई होती तो मैं यहाँ पे सीधा पेटी बन जाता, और ये बंदे भी जान चुके हैं कि मैं एकदम यहाँ पे डैमेज हूँ। तो ये बंदे मेरे पे सीधा पुश करते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है इनके साथ।
तो यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैं नॉक इन फिनिश कर देता हूँ। लेकिन ये बंदे वो बंदे नहीं रहते हैं जिन्होंने मेरे को मिल के मारा रहता है जोजो पोल पे, ये बंदे उसके टीममेट रहते हैं और वो दोनों बंदे जोन में निकल चुके हैं। अगर आगे गेम में कहीं मिल गए तो मैं उनसे हिसाब बराबर कर लूँगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं जोन में आ चुका हूँ और सामने की तरफ एक बंदा है जो कि कैंपर है, तो देखो उसको मैं कैसे मारता हूँ। ये बंदा काफ़ी शांति से किसी बंदे को मार के उसकी पेटी लूट रहा था और मैं यहाँ पे पंच मारते हुए आता हूँ, इसको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो इस बंदे की पेटी लूटने के बाद मैं निकलता हूँ दूसरे बंदों की तरफ और बंदे भी काफ़ी ज़्यादा कम बचे हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे बचे हुए हैं जो कि सामने के घर के छत पर हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो 3 बंदे हैं और सामने वाला सिर्फ 1 है और चिकन डिनर कन्फर्म उनका होगा। तो बस देखते जाओ क्या होता है। तो मैं इस बंदे को नॉक करने के बाद सीधा उन पर पुश करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग सस्पेंस के साथ देखते जाओ आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा वीना वीना चिकन डिनर हो जाता है। तो गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।